चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर ओके 53 जो हमने पूछा था कि शिक्षक के लिए आप शिक्षक यदि बातें कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो आप स्वयं का सदुपयोग करेंगे और उनके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, बस ये करेंगे, है ना। और दूसरा आया यस था कि आप उनको अप्रत्यक्ष रूप से, तो ज़्यादा करेक्ट आंसर यही था कि आप उनको अप्रत्यक्ष रूप से समझाएं और जीवन के समय के महत्व को समझें, बस ये कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ओके 54 देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है कि आपका परम प्रिय मित्र आपके किसी अध्यापक के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो आप क्या करेंगे? नंबर वन, उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और वहां से चले जाते हैं। नंबर टू, उसको समझाते हैं कि वह जो भी बोल रहा है गलत है, उसको बोलने देते हैं तथा स्वयं चुप रहते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। तो क्या होगा 54 का आंसर, नंबर है ना? आप हमारे किसी परम प्रिय मित्र, किसी अपने किसी अध्यापक के लिए यदि कुछ बोल रहा है तो आप कह रहे हैं 54 का बी। यस बिल्कुल सही, 54 का बी, 1 मार्क्स। करेक्ट आंसर 54 का बी ही है। तो यदि आपका परम प्रिय मित्र किसी सहयोगी के लिए कटु आलोचना करता है, तो आप उसे ऐसा कार्य ना करने के लिए प्रेरित करेंगे क्योंकि इसके फलस्वरूप द्वंद्व, प्रतिस्पर्धा, वैमनस्य और ईर्ष्या के दुर्गुणों की उत्पत्ति उसके अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सड़क से गुजरते समय आप देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी बुजुर्ग लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप उनकी इस गतिविधि के लिए क्या कदम उठाएंगे? नंबर वन, यह सोचकर निकल जाएंगे कि जमाना कितना बदल गया है। दूसरे दिन विद्यालय में जाकर सभी छात्रों को अपने पास बुलाकर उन्हें समझाएंगे, वहां थोड़ी ही देर रुक करके छात्रों को इस गलत कार्य पर डांट लगाएंगे। आप मन ही मन प्रसन्न होंगे कि छात्र कितने चुलबुले होते हैं। बताइए क्या आंसर है? बी और सी की सिचुएशन सही लग रही है, क्या लगाएंगे आंसर, बी या सी? सर बी नंबर होना चाहिए। बी नंबर, ओके 55 का बी, 55 का बी गलत आंसर है। 55 का सी दिया जा रहा है आंसर में, 55 का सी है, वहां थोड़ी देर रुक करके। ओके, देखिए अगर बूढ़े लोगों को पसंद, हाँ बात तो सही है, जो डांटना है वो मैंने खुद कहा है। यदि आपके कुछ छात्र सड़क पर बूढ़े लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, तो आप स्वयं उन्हें मना करेंगे और छात्रों के विसर्जित हो जाने तक स्थिति पर नियंत्रण रखेंगे कि जब तक छात्र वहां से ना चले जाएं, वहां पर आपको रुकना है। इसका मतलब ये है कि वहां पर जाकर के तब तक रुके रहेंगे जब तक छात्र वहां से ना चले जाएं, तभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी, है ना। ये क्वेश्चन IMPS को लिख लीजिएगा। अगला सवाल, आपका अपना कोई शिक्षक साथी जब विद्यालय से बाहर आता है तो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करने लगता है, छेड़ाछाड़ी करने लगता है। आपका अपना कोई साथी शिक्षक जब विद्यालय से बाहर आता है तो लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी करने लगता है, एक शिक्षक साथी के रूप में आप उसे कैसे समझाएंगे? तो क्या कहेंगे? ए, उसका उसका यह व्यक्तिगत जीवन क्षेत्र है अतः कुछ नहीं बोलेंगे। आप उसकी सूचना इसकी पत्नी को देंगे, आप उसके साथ आना जाना छोड़ देंगे, या आप उन्हें समझाएंगे कि यह अध्यापक के लिए वांछनीय गुण नहीं है। 56 का बताइए, सर डी नंबर होना चाहिए। 56 का डी, बिल्कुल सही, 56 का डी है। यदि आपका कोई साथी विद्यालय परिसर के बाहर सार्वजनिक स्थलों पर लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार का प्रदर्शन करता है, तो उसे ऐसा न करने के लिए बाध्य करेंगे तथा व्यवसाय की गरिमा और शिक्षकोचित व्यक्तित्व का ज्ञान कराने का प्रयास करते रहेंगे। बिल्कुल सही, 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 57, जिस घर में आप रहते हैं उसी के पड़ोस में आपका एक विद्यार्थी रहता है जो संगीत में रुचि लेता है, वह प्रातःकाल होते ही गायन का अभ्यास करता है, जिससे आपकी नींद में व्यवधान पड़ता है। आप इस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे? आप जैसे ही वह गायन प्रारंभ करेगा उठ जाएंगे, आप उस छात्र से जाकर बात करेंगे या उसे गाना गाने को मना करेंगे। आप सोचेंगे कि अच्छा है, बिना अलार्म के उठ जाते हैं। आप यह सोचकर चुप रहेंगे कि किसी के व्यक्तित्व जीवन में हस्तक्षेप करना गलत है। वैसे तो टेक्निकली ये सही है, टेक्निकली ये भी सही है, और किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना गलत है ये भी सही है, बट टीचर की नज़र से कौन सा सही होगा? 57 का आंसर बताइए। जाएंगे पर डी नंबर होना चाहिए वैसे तो। 57 का डी, बिल्कुल सही। हम यह सोच करके चुप रहेंगे कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना गलत है, यदि आपके घर के पास आपका संगीत विद्यार्थी रहता है जो प्रातःकालीन बेला में अपने उच्च स्वर से रियाज करके आपकी नींद को भंग कर देता है, उक्त छात्र को वह आप वैसे तो समझा सकते हैं क्योंकि वह आपका विद्यार्थी है, किंतु उत्तम स्थिति यही होगी कि उसकी कार्य पद्धति में हस्तक्षेप करके ना करते हुए स्वयं सावधानी बरतें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें आप यदि मेरे से खुद पूछें प्रैक्टिकली, तो मेरा आंसर तो जो है मैं सोचूंगा बहुत अच्छी बात है भाई, बिना अलार्म के उठा देता है, है ना, तो ये भी एक पॉइंट लग रहा है, परंतु इसका आंसर डी। चलो ठीक है, ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 58। आपके एक पड़ोसी प्रतिदिन आपसे अखबार मांगकर ले जाते हैं और इस बात की चिंता भी नहीं करते कि आपने अखबार पढ़ा है या नहीं, आप अपने पड़ोसी की इस आदत को कैसे छुटाएंगे? नंबर वन, आप भी प्रतिदिन उनसे कोई ना कोई चीज़ मांगना प्रारंभ कर देंगे। भाई मैं तो होता तो यही करता, आप उसे अखबार देना बंद कर देंगे, आप प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रताड़ित करेंगे, आप उसे इसकी आदत के बारे में बताएंगे और वह यह कहेंगे कि वह ऐसा ना करें। तो अगर मैं तो ऐसा कहूँगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा, तो यदि मैं होता यहाँ पे तो मैं तो उनसे डेली शक्कर मांगने चला जाता। 58 का तो करेक्ट आंसर क्या है भाई? इसका आंसर ए ही है, बिल्कुल सही है कि उन्हें कुछ ना कुछ मांगना आप भी शुरू कर दो, अपने आप सुधर जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो यदि एक पड़ोसी दैनिक रूप से आपसे अखबार लेकर पढ़ता है तो आप स्थिति के अनुरूप व्यवहार कीजिए, आप भी जाइए कुछ ना कुछ मांग के आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 59। कभी कभी लगता है कि देश में विद्यमान राजनीतिक भ्रष्टाचारों का प्रभाव विद्यार्थियों के जीवन पर भी पड़ रहा है, आप इस प्रभाव को दूर करने हेतु क्या सुझाव देंगे? विद्यार्थियों को उनकी इच्छा पर छोड़ देंगे, विद्यार्थियों को समझाएंगे कि वह इससे दूर रखें, जो विद्यार्थी इस पर ध्यान देते हैं उन्हें विद्यालय से निष्कासित करवा देंगे, छात्रों को राजनीति में रुचि लेने के कारण आर्थिक रूप से दंडित करेंगे। चलिए बताइए, मतलब जो छात्र राजनीति होती है उससे क्या आप कैसा डील करेंगे? 59 का सर बी नंबर होना चाहिए। बिल्कुल सही, 59 का बी है। राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों से छात्र को बचाने के लिए हर संभव उपाय करें और छात्र को उस आदर्श स्थिति के अनुरूप ढालें। करेक्ट आंसर। 60 क्वेश्चन। विद्यार्थियों के लिए आप निम्नलिखित में से क्या आवश्यक मानते हैं? पढ़ना, कर्तव्य पालन करना, मानवता का धर्म अनुपालन, उचित जीवन मूल्यों का विकास, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इन चारों में से? डी नंबर होना चाहिए। 60 का डी कह रहे हैं आप, 60 का डी। बिल्कुल सही है ना आंसर इसमें है। प्रदत्त विकल्पों में से जीवन मूल्यों का विकास ही श्रेष्ठ उद्देश्य है जिससे शिक्षा प्राप्त की जा जिसे शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही, शिक्षा का एक ही उद्देश्य है जीवन मूल्यों का विकास। क्वेश्चन नंबर 61। आपके एक शिक्षक साथी अपने विद्यार्थियों को बहुत ही दंड देते हैं, इस संबंध में क्या दृष्टिकोण है? नंबर वन, ए, उस साथी को समझाएंगे कि इतना अधिक दंड ना दिया करे, उस साथी को समझाएंगे कि इतना अधिक दंड ना दिया करे। पहला ऑप्शन तो ये था कि भाई साथी को बोलो कि इतनी मार पिटाई मत लगाइए। दूसरा विकल्प है कि उनकी शिकायत प्राचार्य से कर दें। तीसरा विकल्प है कि यह सोचकर शांत रहेंगे कि उनका अपना दृष्टिकोण है, जब वह छात्रों की पिटाई करेंगे आप वहां से दूर चले जाएंगे। भाई ये बिल्कुल गलत है, तो करेक्ट आंसर बताइए क्या करेंगे? उनको समझाएंगे ना? यस सर। तो 61 का करेक्ट आंसर है, 61 का करेक्ट आंसर है ए। बिल्कुल सही, इसका आंसर ए था, है ना। आंसर क्या कह रहा, देखिए इसका, छात्रों को प्रत्येक स्थिति में दंड देना या दंड प्रदान करना या दंड की महत्ता को समाप्त कर देता है तथा छात्र उसके प्रति स्वाभाविक आदत का निर्माण कर लेते हैं, मतलब ढीठ हो जाता है, अतः यह शिक्षकोचित व्यवहार एवं अनुशासन नहीं कहा जा सकता है। तो उसको समझाएंगे हम कि भाई ऐसा मत करो। युवराज गेट खोल दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। आज का छात्र विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव को खोता जा रहा है, छात्रों के अंदर इस दृष्टिकोण को पुनर्जागृत कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है? नंबर वन है कि छात्रों को प्रतिदिन होने वाली प्रार्थना समय में यह संकल्प लेने को कहा जाए कि वह विद्यालय का मान सम्मान बनाए रखे। दूसरा, अध्यापक भी विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव रखें। तीसरा, छात्रों के मध्य प्रारंभ से ही उन गतिविधियों का बंटवारा करेंगे जो इस भाव को उत्पन्न कर सकें। यह दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से पैदा किया जा सकता है, जोर जबरदस्ती से नहीं। तो चार ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कि विद्यालय का जो है सम्मान इत्यादि यदि होने लग जाए तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा है? 62 डी नंबर होना चाहिए। 62 का डी, यह दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है,
चलिए 62 का करेक्ट आंसर सी है, छात्रों के मध्य प्रारंभ से ही उन गतिविधियों का बंटवारा किया जाए जो कि इस भाव को उत्पन्न कर सके। हाँ, एक्टिविटी बेस्ड तरीके से ये सबसे बेहतर बात होगी कि हम छात्रों के मध्य में उसका इस चीज़ का बंटवारा कर दें। बिल्कुल सही, 62 का सी है, डी नहीं है, याद रखिएगा। जैसे कि कोई बच्चा एनसीसी में इंटरेस्टेड है तो अपने स्कूल की वैल्यू तब करेगा जब उसे एनसीसी का पद दे दिया जाए, है ना। मतलब या कोई बच्चा जैसे कि साइंस वगैरह में अच्छा रहता है तो वो अगर उसे इसका स्कूल इस चीज़ में प्रमोट करेगा साइंस को लेकर के, तो वो अपने स्कूल के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा श्रद्धा इत्यादि रखेगा। ओके ओके, ओके चलिए। ओके, पहला तो क्वेश्चन नंबर 63 है, मध्यांतर अवकाश के बाद में छात्र खाने पीने की वस्तुओं से विद्यालय का परिसर गंदा कर देते हैं, आप उनकी इस आदत को कैसे सुधारेंगे? ए, हर अध्यापक की मध्यांतर में बारी बारी ड्यूटी लगाएंगे और वह परिसर में घूमे और छात्रों को ऐसा करने से मना करे। विद्यालय के प्रधानाचार्य को कहेंगे कि वह इसकी घोषणा प्रार्थना सभा में कर दे। विद्यालय गंदा होता है, हमें क्या करना है, सोचकर चुप रहेंगे और जगह जगह कूड़ेदान रखवा देंगे। क्या कर सकते हैं भाई इसमें, बताइए। सर क्या होगा सर, या तो ए नंबर है या डी नंबर, इनमें से ही हो सकता है सर कोई भी। ठीक ओके, ए नंबर भी सही है और डी नंबर भी सही है। है यस सर, ड्यूटी लगाने में बजट कम आएगा और कूड़ेदान रखवाने में बजट ज़्यादा आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। यस सर, मगर कूड़ेदान रखने से अच्छा ड्यूटी लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कूड़ादान रखने के बाद भी उस पर डालेंगे बच्चे, ये जरूरी नहीं है। तो 63 का ए करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट। तो करेक्ट आंसर इसका ए ही जाएगा, टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाए ना कि कूड़ेदान रखवाया जाए, ठीक ना। सर ओके, 63 डिटेल करता हूँ, 63 सिक्सटी टी को 62 को मैंने डिटेल नहीं किया था, 62 को मैं डिटेल कर रहा हूँ कि बच्चों के अंदर अपनत्व भाव कैसे डेवलप होगा। छात्रों में विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव का विकसित करने के लिए विद्यालय में ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का श्री गणेश करना तर्कयुक्त रहेगा जिससे कि स्वयं विद्यार्थी ही छात्र विद्यालय के हित के कार्यों में बढ़ चढ़ के सहभागिता करें। एग्जाम्पल, सफाई करना, वृक्ष लगाना, खेलकूद की व्यवस्था करना, ड्रामा, संगीत आदि कार्यक्रमों के साथ छात्रों द्वारा स्वयं आयोजन कराना, तो इससे बच्चों का जो होगा वो बढ़ेगा अपनत्व भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, यदि छात्र मध्यांतर में यत्र तत्र खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुएं बिखेर देते हैं तो उन्हें यथोचित प्रार्थना स्थल पर निर्देशन प्रदान किया जाए अथवा शिक्षकों की ड्यूटी मध्यांतर में सतत देखरेख के लिए ड्यूटी लगाई जाए। बिल्कुल सही। 64 पढ़िए क्वेश्चन, 64। बिल्कुल, कुछ छात्र छात्राएं विद्यालय भवन की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उस पर कुछ लिखते जाते हैं और आप किसी छात्र को ऐसा कर देख लेंगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? छात्र छात्राएं विद्यालय भवन की सीढ़ियां चढ़ते हुए उस पर कुछ लिखते जाते हैं, आप खुश होंगे कि विद्यालय गंदा होता ताकि प्राचार्य को पुनः सफेदी करानी पड़ेगी, गलत। यह सोच करके चुप रहेंगे कि बच्चों की यह स्वाभाविक आदत होती है, इसे क्या रोकना, गलत। आप इस तलाश में रहेंगे कि कौन छात्र कर रहा है ताकि उसको छात्र को बुला करके मना करेंगे। आप सभी छात्रों को एक सामान्य चेतावनी दे रहे हैं, जो भी करेगा उसे दंडित किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ओके थोड़ी क्लास बाद में लूंगी, कोई आया है सर, ओके ठीक ओके। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा जी? इसका आंसर सी, 64 का सी, एग्जैक्टली 64 का सी ही है। यदि छात्र छात्राएं आपके विद्यालय की सीढ़ियों के सहारे दीवारों पर कुछ आपत्तिजनक शब्द या चित्र बनाते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें भली भांति पकड़ने का प्रयास करें और तदुपरांत दंडित करें। एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के शौचालय को साफ रखने हेतु आपके क्या सुझाव हैं? निम्नलिखित में से आप किसे वरीयता क्रम में प्रथम में रखेंगे? ए, विद्यालय में अतिरिक्त सफाई कर्मचारी रखे जाएं जो कि विशेष तौर पर शौचालय की देखरेख करें। शौचालय में प्रतिदिन फिनाइल डाला जाए। शौचालय में खूब पानी की खूब व्यवस्था हो जिससे कि पानी के अभाव में वह गंदा न रहे। छात्रों को शौचालय के लाभों से परिचित, शौचालय साफ करने के लाभों से परिचित कराया जाए। ओके, 65 एग्जैक्टली इसमें है करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिए इसको,
क्योंकि मेरे को खुद यदि मैं देखूं तो इसमें लाभ से परिचित कराए जाने वाली बात भी समझ में आ रही है, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर्स सी इज़ द करेक्ट आंसर जा रहा है। शौचालय में पानी की खूब व्यवस्था हो जिससे कि पानी के अभाव में वह गंदा ना रहे। हाँ, पानी का अभाव है तो बच्चे भी क्या करेंगे फिर, सही बात है, घर से तो पानी लाएंगे नहीं धोने के लिए ना, क्लियर। तो यदि तो शौचालय में आवश्यक दैनिक कार्य सफाई के लिए उनमें पर्याप्त रूप से चलते हुए पानी की आवश्यकता होती है, मतलब उनमें पानी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के कुछ छात्र बैठे बैठे पान सुपारी सुपारी या पान मसाला खाते हैं, आप देख लेते हैं तो आप इस आदत को सुधारने हेतु क्या करेंगे? यह उनकी व्यक्तिगत आदत है, सोचकर चुप रहेंगे गलत बात। आप स्वयं इस आदत से ग्रसित हैं, इसके कारण उन्हें रोकना उचित नहीं समझते। आप स्वयं छात्रों को बुलाकर सिर्फ इतना समझाएंगे कि वह कक्षा में यह न खाया करें, आप इस आदत की मन ही मन प्रशंसा करेंगे। तो दो आंसर गलत है, करेक्ट आंसर तो सी होना चाहिए, भले आप 500 पड़ी खा रहे हो बट बच्चों को रोको भाई। फिफ्टी, आप छात्रों को स्वयं बुलाकर इतना समझाएंगे कि कक्षा में यह ना खाया करें, तो सी ही आंसर इसका दिख रहा है, 66 का सी, करेक्ट आंसर सी भी है, बिल्कुल सही, 1 मार्क्स। तो भाई क्या कह रहा है अपने पास 66 में, शिक्षक 500 पारी खाकर बैठने वाले छात्रों को कक्षा में कुछ ना कहें किंतु कक्षा के उपरांत उन्हें समझाने का प्रयास करें। कुछ छात्र 66 हो गया ना, 66 का पूछा गया ना, 66 का सी, एग्जैक्टली 66 का सी। नाउ 67 की बात करते हैं, कुछ छात्र पान अथवा पान मसाला खाकर उसकी पीक से विद्यालय को गंदा करते हैं, आप विद्यालय में पीकदान रखवा देंगे, बिल्कुल गलत भाई, बिल्कुल गलत। आप छात्रों को बुलाकर विद्यालय में इन चीज़ों को खाने से मना करेंगे, हाँ ये सही है, आप छात्रों को कहेंगे कि विद्यालय को गंदा ना करें, आप इस ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल गलत ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर बी लग रहा मुझे, 67 का चेक करते हैं, बी एग्जैक्टली 67 का बी ही है। विद्यालय परिसर में पान तंबाकू एवं अन्य ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर निरंतर थूकने वाले छात्रों पर अनुशासन समिति की निगरानी रखनी चाहिए तथा विद्यालय परिसर में ऐसे छात्रों का बहिष्कार किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ के लिए टेंटेटिवली तो बी है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। आपके एक विद्यार्थी के कपड़े बहुत गंदे हैं और आप अध्यापक के रूप में नंबर 1 ए, आप उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियां उसके सामने सबको लज्जित करेंगे, बिल्कुल गलत है। वह आप उस छात्र से यह पूछेंगे कि वह इतने गंदे वस्त्र पहनकर क्यों आता है, हाँ ये चीज़ ठीक है, आप उस छात्र पर ध्यान नहीं देंगे। तो भाई मैं तो रीज़न पूछूंगा, 68 का सी होना चाहिए। तो सही, एक मिनट, बुलाने के बाद रीजनिंग तो ये देना है, तो 60 से अच्छा ऑप्शन ए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए, धोखा दे रहा क्वेश्चन। ओके, तो आप उस छात्र को बुलाकर उससे होने वाली हानि के बारे में बताएंगे, 68 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यदि छात्र गंदे वस्त्र पहनकर आता है तो उसके गंदे कपड़ों से होने वाली संभावित शारीरिक बीमारियों के बारे में बताएंगे, भविष्य में साफ कपड़े पहनने के लिए जोर देंगे, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 69 डिस्कस करते हैं, 69 क्वेश्चन नंबर 69, छात्रों को उचित आसन का प्रशिक्षण देना क्यों आवश्यक है? नंबर 1, उचित आसन का प्रभाव शारीरिक संरचना पर अनुकूल पड़ता है, मतलब उसका प्रभाव जो होता है शारीरिक संरचना पर अनुकूल पड़ता है, पहली चीज़ तो ये कही जा रही है कि अच्छे से बैठने का सही पड़ता है। दूसरी चीज़ देखते हैं भाई क्या कही जा रही है, दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ मैं नहीं मानता कि आसन प्रशिक्षण से विद्यालय में देना आवश्यक है, नहीं बिल्कुल गलत बात है। उचित आसन का अभाव से सीखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है, आसन तो जन्मजात क्षमता का परिणाम है। क्या होना चाहिए भाई इसका बताइए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप सही से बैठ रहे हो तो उससे सीखने पर सही प्रभाव पड़ता है, तो 69 का ए होना चाहिए और करेक्ट आंसर ए ही है, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो यदि शारीरिक आसन या मुद्रा से व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को आप आसनों का महत्व एवं शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध का ज्ञान प्रदान करेंगे। यस एग्जैक्टली। देन क्वेश्चन नंबर 70,
विद्यालय में पीने के पानी की अनुचित व्यवस्था है। आपको इस आपका ध्यान इसको भी है, जब छात्रों के एक समूह द्वारा आपके इस पर शिकायत करने को लेकर आता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आप उनकी बात को ध्यान पर सुन लेंगे और शांति रहेंगे। आप उनकी इस बात को सुनेंगे व नाट कर उसे भगा देंगे। आप उनको सलाह देंगे कि वह प्राचार्य से ये बात करें। आप उनकी बात को समस्या समाधान करने का प्रयास करेंगे। 70 का किस समस्या समाधान कैसे कर पाएंगे? समस्या समाधान करने का खुद प्रयास शामिल है और प्राचार्य से बात करना शामिल है। बच्चों को प्राचार्य के पास भेजना सही है कि खुद ही जाना सही है? तो मेरे ख्याल से एज ए टीचर तो डी पॉइंट बिल्कुल सही होना चाहिए। 70 का डी बिल्कुल सही, खुद ही जाए प्राचार्य के पास तो वो ज़्यादा बेटर है। बच्चों का प्राचार्य के पास तब जाना है जब टीचर ना सुने, तब सही है। ओके, अगर आपके विद्यालय में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है और छात्र समूह इसके लिए शिकायत करता है तो आपकी बुनियादी समस्या का निराकरण करने के लिए तो उनकी इस बुनियादी समस्या का निराकरण करने के लिए हर संभव उपाय करेंगे। 70 का बिल्कुल सही। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी विद्यालय में जाते हैं, वहाँ आपको एक विद्यार्थी भी कार्य कर रहा है। आप किसी विद्यालय में जाते हैं, वहाँ आपका एक विद्यार्थी भी कार्य कर रहा है जो आपको या तो पहचान नहीं रहा या पहचान करके अनजान बन रहा। उसके इस व्यवहार से आप क्या निर्णय लेंगे? आप भी उसे नहीं पहचानेंगे? आप यह सोचने लगे कि मुझे भ्रम हो रहा है, नहीं तो मेरा छात्र मुझे अवश्य पहचान लेता। आप उसे बुलाकर डांटेंगे, आप स्वयं ही पहचान लेंगे व बुलाकर बात करने लगेंगे। तो 71 का डी होना चाहिए जहाँ तक। बिल्कुल सही, 71 का डी एग्जैक्टली। यदि आप तो इसका रीजनिंग देखते हैं, यदि आपकी मुलाकात एक पुराने छात्र से होती है जो किसी विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसके द्वारा ना पहचानने की स्थिति में आप स्वयं परिचय देकर उससे वार्तालाप करेंगे। इसमें अपमानित होने वाली कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली, इसमें अपमानित होने वाली कोई बात नहीं है। डी 72 क्वेश्चन, आपने अपने विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता आयोजित करते हैं जिसका मूल्यांकन भी आप ही करेंगे, आप किस आधार पर अंक देंगे? बिल्कुल निष्पक्ष अंक देंगे। उनको अंक लेख के आधार पर देंगे। अंक देने के लिए आधार विषय वस्तु को बनाएंगे। जो आपसे संबंधित छात्र है उसे आप कम अंक देंगे। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, डी तो हो ही नहीं सकता। उनको अंक लेख के आधार पर देंगे। अंक देने के लिए आधार विषय वस्तु को बनाएंगे। तो एज ए टीचर जो है, अंक देने के लिए विषय वस्तु को आधार बनाना, लेख के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु मतलब किस विषय पर उन लोगों ने लेख लिखा। तो पहले तो निष्पक्ष अंक है, किस आधार पर बोला है, लेख यानी लिखावट हो गई, विषय वस्तु के आधार पर। निबंध प्रतियोगिता मूल्यांकन भी हमें ही करना है। 72 का ए, तो करेक्ट आंसर इसका दिया जा रहा है यहाँ पे ए। बिल्कुल निष्पक्ष अंक देंगे, चाहे वो कोई भी आधार हो, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए इसको। यस ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। आपके विद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता संपन्न होने जा रही है, निर्णायक मंडल में आप भी। आपका निर्णय किस आधार पर होगा? जो छात्र दिखने में सुंदर है उन्हें अच्छे अंक देंगे? बिल्कुल नहीं। जो आपसे परिचित है उन्हें अच्छे अंक दो? बिल्कुल। जो छात्र पढ़ने में होशियार है उन्हें अच्छे अंक देंगे। अब वाद विवाद डिबेट से मतलब क्या? जो छात्र विषय वस्तु को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाया है उसे अंक देंगे। तो इसका डी होना चाहिए। 73 का डी लग रहा है। एग्जैक्टली, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। 72 की मैंने रीजनिंग दी क्या? तो 72 की रीजनिंग सुन लीजिए। 72 में यह था कि बिल्कुल निष्पक्ष अंक देंगे। इसमें यह है कि किसी भी प्रतियोगिता का निर्णय शिक्षक द्वारा पक्षपात रहित ढंग से हो जाना चाहिए, यही उसकी गरिमा का प्रचायक है। वाद विवाद वाली की बात करते हैं भाई। वाद विवाद के केस में प्रतियोगिता का निर्णय एवं छात्र द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क मौखिक व्यवहार एवं मुख मुद्राओं के आधार पर किए जाने चाहिए। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट 74 की बात करते हैं। एक आपके विद्यालय में एक उदंडी छात्र है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसे अनुशासित करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? आप उस छात्र की उदंडता पर ध्यान नहीं देंगे, पढ़ने में अच्छा है। आप उस छात्र को बुलाकर समझाएंगे कि वह उदंडता को छोड़े। आप उसकी साथ माता पिता शिकायत करेंगे और उसकी निंदा करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। लेट सी द आंसर। 74 का बी करेक्ट आंसर है। उदंड एवं प्रतिभाशाली छात्र को स्नेह, परामर्श एवं सहयोग द्वारा सरल बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। 75 आपका एक विद्यार्थी विद्यालय की
खेलकूद गतिविधियों में कभी भी भागीदारी नहीं करता, वह इन गतिविधियों में भाग ले, इसके लिए आप उसे कैसे प्रेरित करेंगे? उस पर भाग लेने के लिए आर्थिक अधिभार लगाएंगे, उसको समझाएंगे कि यह गतिविधियाँ बहुत आवश्यक हैं और जीवन में इनकी उपयोगिता है, इसमें भाग ले। उसमें भाग लेने हेतु जबरदस्ती प्रेरित करेंगे। यदि वह भाग नहीं लेना चाहता तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर 75 का करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है 75 का। तो खेल कूद प्रतियोगिता से निष्क्रिय छात्र को आप अनेक प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं। इसका महत्व बताकर उसके मनचाहे खेलों का आयोजन करके तथा सहभागिता के अवसरों में वृद्धि करके। बिल्कुल सही। 76 क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन नंबर 76। आपका एक छात्र बहुत ही गुस्सा करता है। एक दिन वह गुस्से में अभिव्यक्ति आपके सामने कर रहा है। आप उस समय उसके गुस्सा व्यक्त करने देंगे? वह कुछ नहीं बोलेंगे। उसके गुस्सा होते ही उसके मारना शुरू कर देंगे? नो वे। आप पर गुस्सा होने लगेंगे? नो वे। बाद में उसे समझाएंगे कि गुस्सा होना उचित है? उस समय उसे गुस्सा करने देंगे? वह कुछ नहीं बोलेंगे और बाद में उसे समझाएंगे कि गुस्सा होना अनुचित है। तो करेक्ट आंसर ए और क्या लग रहा है? डी समझ में आ रहा है करेक्ट आंसर। देखते हैं इसका 76 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। 76 का करेक्ट आंसर डी ही है। फुल मार्क्स मिलेंगे आपको 76 का डी। एक क्रोधी छात्र के संवेगों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए शिक्षक को धैर्य, आत्मविश्वास एवं सहयोग का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 77। एक निर्धन छात्र विद्यालय में बहुत ही गंदे वस्त्र पहनकर आता है। कक्षा का कोई भी छात्र उसके समीप नहीं बैठना चाहता। एक अध्यापक के रूप में आप उसको साफ सफाई के महत्व पर भाषण देंगे, उसे विद्यालय से निष्कासित करवाएंगे, गंदे रहने पर खूब डांटेंगे, उसके अंदर सफाई की का विकास करें।